ये देखिए ऑन हो चुका है, आप लोग देखिए कंप्लीटली आपका वेबसाइट है वो ऑन हो चुका है। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ सेट को, और ऑन करने पर आप फोकस करिए, ये देखिए क्या हुआ। आपको यहाँ पे फोकस करेगा कैमरे में प्रॉपर, क्योंकि तभी समझ में आएगा। यहाँ जैसे ही मैं इस हैंडसेट को ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने पर देखिए ये, जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने पर डिस्प्ले की तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये देखिए बैटरी का साइन आता है और आके चला जाता है। मैं दोबारा आपको चेक करवा रहा हूँ, डिस्प्ले पे फोकस कीजिएगा। आके चला गया, और इस कंडीशन में यह हैंडसेट बैटरी से ऑन होता ही नहीं है। हमारे माइंड में एक चीज आएगी कि यार बैटरी खराब है, यही होगा, क्योंकि यह हैंडसेट डीसी पे ऑन हो रहा है और डीसी पे भी प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा। फर्स्ट और सेकंड बूट पे आते ही ऑफ हो रहा है। दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से देखे डीसी के थ्रू इस हैंडसेट को मैं ऑन कर रहा हूँ, डीसी से ऑन कर रहा हूं मैं अभी, और मैंने ऑन किया अभी, देखिए देखिए ऑन हुआ, पोको पे आया और सेकंड बूट पे जाके ये बंद हो जाएगा। अभी मैंने जो ऑन किया हुआ वो डीसी पे किया हुआ है। देखिए डीसी मैंने लगाई हुई है, देखिए सेकंड लोगो पे आया है यहाँ पे, और अब देखते हैं ऑन होता है नहीं होता है। और देखिए ऑफ हो गया, कंप्लीटली ऑफ हो गया। डीसी में दिखा सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, डीसी के अंदर ऐसा लगेगा ऑन है अभी तक, लेकिन ये देखिए ऑफ हो गया, हो गया। और यहाँ पे देखिए डीसी जबकि लगी हुई है। अब आप कहोगे सर हो सकता है स्लीप मोड में गया, मैं एक बार देखिए दबा देता हूँ, डीसी में दिखाइए, ऑन ऑफ दबा देता हूँ, देखिए कितना हलचल हो रहा है। ओनली ये दबाने के बाद वापस जीरो, दबाने के बाद वापस जीरो, यानी सेट ऑन नहीं है। ये जो है ऑन होता तो यहाँ पे आ जाता, कहाँ पे देखिए स्क्रीन इधर देखिए, अगर मैं ऑन ऑफ स्विच दबा रहा हूँ, मेरा हाथ दबाने के बाद अगर ये होता तो यहाँ सीन आ जाता, यानी स्क्रीन आ जाती, यानी सेट ऑफ हो चुका है। अगर देखो देखिए मैं वापस इसको ऑन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए मैं वापस ऑन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ऑफ हो चुका है। मैं वापस ऑन ऑफ स्विच कंटिन्यू दबा रहा हूँ, ये देखिए ऑन हो गया। लेकिन ऑन भी होता है तो एक बैटरी का साइन आके ऑन हो रहा है डीसी में अभी, इसका मतलब इसमें फॉल्ट क्या है वही डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, स्कीमेटिक, और इस आईसी को आइडिया से कह सकते हैं कि ये चार्जिंग आईसी है आपकी, कितनी है चार्जिंग आईसी है ये, जहाँ तक हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और स्कीमेटिक भी ओपन कर लेते हैं, और हो सकता है ये सेट सेकंड बूटिंग पे बंद होने का मतलब कारण भी यही हो, है ना। तो सबसे पहले हम लेआउट में इस नंबर को कॉपी करेंगे, स्कीमेटिक में आएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ से देखेंगे आईसी का पार्ट, ये चार्जिंग पार्ट है, क्या है ये चार्जिंग पार्ट। चार्जिंग पार्ट में ये जो फॉल्ट आता है, ये फॉल्ट आपका मेनली चार्जिंग की कह सकते हैं कुछ करंट मैनेजमेंट की लाइनें या बैट मैनेजमेंट की जो लाइनें हैं उसके कारण आता है। तो यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे देखिए ये दो लाइनें हैं 74 और 75, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वी बैट सेंस पी यानी पॉजिटिव, वी बैट पैक सेंस एम यानी माइनस नेगेटिव कह सकते हैं। और ये देखिए ये बोल रहा है कि ये जो 75 नंबर वाली पिन है वो एक ही पेज में नेक्स्ट जा रही, दूसरे किसी पेज में नहीं जा रही 18 नंबर पेज में, और वी बैट जो कनेक्टर की पिन है वो आपके 18 नंबर पेज में भी जा रही है और 39 नंबर पेज में भी जा रही है। कह सकते हैं ये जो लाइन है वो दो पेज में जा रही, नेक्स्ट देख लेते कहाँ कहाँ जा रही,
इसके लिए इसको डबल क्लिक करेंगे, एक तो पेज ये आ गया जो कि जिसमें अभी चल रहा है, नेक्स्ट पेज ये आ गया जिसमें देखिए ये बता रहा है कि ये कनेक्शन जा रहा है आपके बैटरी के कनेक्टर पर, किस पे जा रहा, बैटरी के कनेक्टर पर जा रहा है और आपकी ये जो लाइन है वो वी बैट कनेक्टर पे ये लाइन जा रही है। नेक्स्ट दूसरा ये वाला, इस पे भी क्लिक करते हैं तो देखिए ये लाइन भी आपके बैटरी कनेक्टर पर ही आ रही है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये इसके कारण प्रॉब्लम है या नहीं है, तो हम इसको बिटमैप में भी मैं चेक करेंगे कि ये प्रॉपर कनेक्टर कौन सी बॉल पे आईसी पे जाता है। ये चलेंगे बिटमैप पे, तो अब चलते हैं हम बैटरी कनेक्टर पे, और बैटरी कनेक्टर पे जाने के बाद चलते हैं यहाँ पे, मैंने इस पर क्लिक किया है वी बैट पे, ऊपर लिख के आया वी बैट, देखिए लाइन कहाँ जा रही, जैसे कि उसने बताया चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है, तो देखिए चार्जिंग आईसी के अंदर ही जा रही है और आईसी के टोटल ही 5 पिन पे जा रही है। लेकिन जब अगर इस पिन पे आप देखोगे तो ये पूरा जो पिन का नाम क्या होगा, वी बैट होगा भाई, वी बैट की पिन इसके अंदर आ रही, तो पूरे 5 ही पिनों का नाम क्या होना चाहिए। लेकिन आप स्कीमेटिक में आइए और स्कीमेटिक में देखिए कि ये जो लाइन आ रही है इसको हम डबल क्लिक करके जाते हैं आईसी पे, तो इस ये जो पिन है देखिए 74 पिन पे जा रही है, तो फिर एक पिन तो ये होगी, पीछे कितनी रही, चार पिने कहाँ है, तो चार पिने इसमें जिस नाम से होगी वो क्या होगी, किस नाम से होगी, वी बैट, और पिनों का जो नंबर होगा वो 65 और 66, यही है। तो इसमें देखो कहाँ है वो पिन है, क्या आ गई, तो 1 2 3 4, तो अब समझो कि ये पिन यहां है तो वो पिन वहां क्यों है, वो भी तो इसके साथ अटैच होनी चाहिए, वो भी तो ऐसे होनी चाहिए पास में, अलग क्यों है वो, यानी वी बैट के ऊपर जो वोल्टेज करंट रन कर रहा है, उस करंट जो रन कर रहा है उसमें पॉजिटिव का जो है, यानी आप कह सकते हैं आईसेंस जो है वो चेक कर रही है आईसी खुद वापस उसी वी बैट की पिन से, समझ गए, नहीं समझ पाए, ये क्या बताया, वोल्टेज तो सीधा वी बैट से चल ही रहा है लेकिन इसी लाइन से देखो एक लाइन अलग अंदर जा रही वापस, और जबकि लाइन तो एक ही है, समझे, तो ये लाइन क्या कर रही है, इसके अंदर से यानी कह सकते हैं कि बैटरी के अंदर जो वोल्टेज स्टोर हो रहा है या रिटर्न आ रहा है उसके मैनेजमेंट को आईसी को डेटा दे रही है वापस, इतना करंट रहा, इतना नहीं रहा, इतना चार्ज हो रहा, इतना नहीं हो रहा, समझ गए। इसमें अगर प्रॉब्लम होगी, ये लाइन कटेगी तो परसेंटेज में इशू आ सकता है, चार्जिंग लोगो सेट ऑन नहीं होना, ऑन होके ऑफ होना, ऐसे कुछ आपको इशू देखने को मिलेंगे, और हो सकता है बैटरी से नहीं डीसी से सेट ऑन भी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज वापस बिटमैप पे चलते हैं, दूसरा पिन नेगेटिव बताया इसने, तो नेगेटिव देखिए यहाँ पे, देखिए ये नेगेटिव, यहाँ पे तो क्लिक होगा नहीं, तो हमारी स्कीमेटिक में वापस देखिए कि माइनस की जो पिन बताई थी कितना नंबर पिन बताई थी है हाँ 75। अब 75 नंबर पिन अलग है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड, तो फिर ग्राउंड तो था तो वो यहाँ पिन क्यों आई, ग्राउंड तो ऑलरेडी है, ग्राउंड तो ऑलरेडी होगा कहीं ना कहीं, देखो मैं अगर इस आईसी का अलग और पार्ट बनाऊँ आपको, तो देखिए इस आईसी को डबल क्लिक करेंगे
स्कीमेटिक में आएंगे, पेस्ट करेंगे, सर्च करते ही सबसे पहला पार्ट इसका ग्राउंड ही है, तो फिर और ग्राउंड क्यों? तो यानी यहाँ से माइनस का जो करंट है उसको सेंस किया जा रहा है, यानी करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस माइनस, या फिर आपको इसको एन भी कह सकते हो, करंट सेंस नेगेटिव। यही तो वर्डिंग वहाँ लिखी हुई है, कहाँ पे लिखी हुई है? इस आईसी के अंदर लिखा है वी बेट सेंस पी, वी बेट सेंस एम या एन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों लाइनें, वी बेट तो जा ही रहा है, ग्राउंड तो मिल ही रहा है, लेकिन अलग से ये दो लाइनें वहां पर भी बज रही नहीं बज रही है। वो तो 18 पेज है, वो तो 18 नंबर पेज हुआ, पिन नंबर तो यहां लिखा है ना 75 74, समझ गए? हाँ, अब हमें क्या चेक करना है, उस आईसी को उठाना है, उस आईसी को उठा के इन सभी बलों पे बीप चेक करना है कि बीप आ रही नहीं आ रही। समझ गए? तो अब क्या करेंगे, आईसी निकालेंगे, एक सीजन नई आपको दिखेगी अभी, क्योंकि आपने आईसी के पीडीएफ में क्या देखा, वो आईसी के पीडीएफ 500 बोले एक बता रहा, बीट में 500 बोले एक बता रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ पीडीएफ भी किसी ने बनाई है, बनाई हुई गलत हो सकती है, बोर्नियन भी किसी ने बनाया गलत हो सकता है, लेकिन बोर्ड जब लाइव आपके सामने है, एक वर्किंग बोर्ड, वो तो गलत नहीं हो सकता। ओके, हमारे सामने एक बोर्ड है, भले ही फॉल्टी है, लेकिन हम उसको ध्यान से उसको वेरीफाई तो कर सकते हैं, है ना? अब देखिए इसमें इस ध्यान से देखने की कोशिश करें, कितनी बोले एक साथ है, कितनी बोले एक साथ है, लेफ्ट डाउन कॉर्नर से, लेफ्ट डाउन कॉर्नर की बॉल, देखिए एक दो तीन चार, बोर्ड बता रहा है कि वी बैट से चार बोले ही कनेक्ट है, बोर्ड क्या बोल रहा है, वी बैट से चार बोले कनेक्ट है। वो तो एक ही वी बैट और वी बैट सेंस को साथ में पकड़ लिया उसने, ठीक है। और यहां पे एक चीज और देखिए, एक दो और तीन नंबर बॉल, अब ग्राउंड तो सारी है, लेकिन ये लाइन अलग आ रही, देखो आ रही, ये देखिए अलग आ रही है, तो फिर ग्राउंड थी तो इसको अलग क्यों किया? यानी एक ही लाइन के बीच में से दो लाइनें पकड़ के आईसी को दी हुई अलग से, समझ गए? तो यहां पे ये लाइन देखो, थोड़ा स्क्रैच ऑलरेडी कर रखी है किसी ने, तो हमें क्या चेक करना है, ये लाइन कनेक्टेड है या नहीं है, कहाँ तक जा रही है कहाँ तक नहीं जा रही। ओके, तो लो जी मीटर को कर दो आप, ये कनेक्ट है इसके साथ, और ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट, ये भी कनेक्ट है, और ये क्या है, कहाँ है, कनेक्ट है क्या? नहीं है।
अब हम अगर उस बोर्ड बिट मैप में जाए और बिट मैप में देखे तो ये तो ग्राउंड बता रहा है। देखिए बिट मैप में अगर आप देखिए तो ये तो ग्राउंड बता रहा है, जबकि ग्राउंड तो है तो नहीं। हाँ, है ना, तो है नहीं, कनेक्ट नहीं है कि नहीं। तो अब हमारे पास क्या है कि हम एक तो लाइव बोर्ड से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये लाइन क्या देती है, जीआर देती है, ग्राउंड बजती है, क्या होता है। तो एक तरुण जी 9 पावर का बोर्ड पड़ा होगा आगे कहीं ड्रॉ में या कहीं अच्छी जगह रखा हुआ है, ये आईसी वाले बॉक्स। ओके, अब देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। तो ये पिन थी अपनी 3 नंबर, क्या आ रहा, क्या आ रहा, और उसमें क्या क्या हो रहा, क्या शॉर्ट हो गई। हाँ, तो इसमें हमें वो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, बीप हमारे बोर्ड में नहीं मिला और इसमें मिल रहा है। देखते हैं हमारे बोर्ड में, वापस मैं आपको चेक करवा दूं। ये हमारा बोर्ड है और देखिए अब ऑलरेडी किसी ने इस लाइन को स्क्रैच कर रखा है। आपके सामने ही फोन आया है, आपके सामने मैंने ओपन किया है, हमने तो कुछ किया नहीं इसमें, फिर भी देख लेते हैं एक बार कि स्क्रैच टूटा है या ऑलरेडी। तो ये लाइन देखो जली हुई दिख रही है, ठीक है। अब एक लो ब्लेड नया और इसको यहां से स्क्रैच करते करते जाओ आगे। और दिखाना तो पड़ेगा आप लोगों को, तो अब ये चिपक तो जाए यहाँ पे बस। अब चेक कर ले, आ गई आईसी, अब लगा दे। बाकी को मजा मैं आईसी वापस वही डाल रहा हूं। चलो ठीक है, अब हमने इसका जो है PMI इंस्टॉल कर दिया है और इसका जो फॉल्ट हमें जो लग रहा था वो हमने सॉल्व इसका किया है। देखते हैं अब सेट हमारा ऑन होता है नहीं होता है। पहले आपने प्रॉब्लम क्या था, एक तो DC से ऑन नहीं हो रहा था, बैटरी से ओनली चार बैटरी का साइन आ रहा था दो। तो देखते हैं अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, इसका फोल्डर टूटा हुआ है तो फोल्डर दूसरा डाल देते हैं। और मैं बैटरी डाला हूँ और कैमरे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर इस पे कि मैं ऑन करूँ तब। और ऑन ऑफ स्विच मैंने प्रेस किया है, देखते हैं क्या होता है। तो ऑन हो चुका है, देखिए आपके सामने कंप्लीटली आप देख सकते हैं बैटरी से यहाँ पे, और कंप्लीट ऑन होना चाहिए। वेट करते हैं थोड़ा सा, और एक आपने देखा था बूटिंग भी लेट कर रहा था, तो देखते हैं बूटिंग अब लेट कर रहा नहीं कर रहा।
फिलहाल पोको पे ही है। अभी सेकंड लोगो पे आया है। पहले सेकंड लोगो पे आने के बाद बंद हो जाता था, अभी रुका हुआ है सेकंड लोगो पे, सेकंड लोगो पे रुका हुआ है। ये देखिए ऑन हो चुका है, आप लोग देखिए कंप्लीटली आपका सेट है वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, छोटा सा फॉल्ट था